बैक टू द चैनल अगेन। और आज की वीडियो में वापस घूमने की एक जगह ढूंढ ली है जो कि है नायग्रा फॉल्स। तो काफ़ी सब मतलब ये कि कनाडा का एक रिचुअल टाइप चीज़ है कि भाई आप कनाडा आए और आप नायग्रा फॉल नहीं गए, मतलब बहुत ओवर हाइप टाइप जगह बोलते हैं उसे। मतलब बस वो या यूएस का भी बॉर्डर है तो एक साइड यूएस का फॉल है, एक साइड कनाडा का फॉल है, तो वही रेगुलर चीज़। तो देख रहा हूँ आज थोड़ा टाइम मिला है तो अभी जा रहा हूँ। 11:15 अभी हुए हैं, मेरी बस है आधे घंटे में। अब बेसिकली यहाँ पे गो बस से जाना पड़ता है क्योंकि एक टीटीसी और मीरे वाली जो बसें चलती हैं वो इंटरसिटी चलती हैं, और इसके लिए पर्टिकुलरली आपको दूसरी बस लेनी पड़ती है जो इंटरसिटी चलती हैं, गो बसेस। तो बस वो जा रहा हूँ। आज मौसम भी वैसे अच्छा है, धूप वूप नहीं है बिल्कुल भी। तो बस अभी चलते हैं आगे, बाकी देखते हैं नायग्रा की भाई इतनी हाइप है क्या, बाकी दिखाता हूँ आगे कैसा भी हुआ। तो अभी जो वो प्रेस्टो वगैरह मेरा कार्ड है ना उसमें पैसा है ही नहीं, लास्ट टाइम पूरा यूज़ कर लिया था, तो अभी मैं दिखाता हूँ। तो वो देखो ये जो मिसिसागा वाला वो टर्मिनल है वहाँ पे मशीन लगी हुई है, तो वहाँ जाके बस मेरे को वो करना है, लाइट होगी मेरी तो उसको बस रिचार्ज करा के फिर वहाँ देना है, क्योंकि गो बस का अलग ट्रांजिट का पूरा सिस्टम है तो उसमें पैसे भी थोड़े ज़्यादा लगते हैं। तो देखो ये मेरा कार्ड प्रेस्टो का और ऐसी मशीन है, अभी यहाँ डालूंगा। अभी देख रहा है देखो पेंडिंग फी, हाँ मतलब का बिल्कुल पैसा नहीं है, तो इसमें मैं कर दूंगा लोड फंड्स, मैं डाल लेता हूँ 50 पे। यू नीड रिसीट, यस। कार्ड डालो भाई। क्या मांग रहा है ये, प्लीज़ वेट, डू नॉट रिमूव कार्ड। तो ये मेरा कार्ड में पैसे डाल गए $50 खर्चो। तो ये देखो ये पूरा ये जो पूरी रोड है इनका यही स्टॉप है, ये देखो हर पे नंबर लगा हुआ 10, 11, ये 21 है ऐसे सारे। तो अब यहीं पे आके सामने बस रुकेगी 9 मिनट में। और ये सही है कि देखो सामने इधर इनका नॉर्मल जो सिटी सेंटर वाला ट्रांजिट है वो इधर है और गो बस भी इधर ही है, तो पास ही ऐसे मतलब मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो बाकी बस आती है तो मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखो इस टाइप की डबल डेकर बसेस हैं, ये इंटर सिटी वाली ऐसी भी अपनी आगे अपनी बस 21C। फिर अगले स्टेशन पर भी चेंज करनी है, फिर उसके बाद भी चेंज करनी है, दो चेंज और है इसके। तो देखो अभी चेंज करके ये सेकंड जो अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वो ट्रेन है, ये देखो इनका ही स्टेशन है, सुखा सा एकदम छोटा सा अच्छा नीचे। अभी हुआ क्या ना कि थोड़ा सा गलत आ गया यार, गलत साइड डायरेक्शन में ले ली, तो समझ ही नहीं आया था प्लेटफॉर्म कौन सा क्या है। तो अभी सही जगह आया, मतलब उस साइड नहीं जाना, मैं इधर जाना था, तो पुराने स्टेशन पर वापस जाके फिर आगे जाएंगे, बाकी इनके ऐसे छोटे छोटे स्टेशन हैं। अभी आ गई सही वाली ट्रेन वापस, अभी इसमें जाऊँगा। तो बर्लिंटन पहुंच गया, बस अब लास्ट वाला स्ट्रेच चेंज करना है, तीसरा चेंज है, पहले बस फिर एक ट्रेन बोली फिर अब थर्ड। यहाँ पे देखो एक चीज़ ये मैंने नोट की कि देखो ये इनके डिसेबल्ड वालों के लिए प्लेटफॉर्म में से रेज होता है कि फिर और यहाँ वही वाला कोच आके खड़ा होगा जिसमें जो डोर की एंट्रेंस है वो आपकी सिर्फ इस लेवल पे ही हो, उसमें फिर उनके हिसाब से सीट्स वगैरह भी कम होती है, स्पेस ज़्यादा होती है, अच्छी बात है। और अभी जो लास्ट पार्ट है उसके लिए बस है, और बस आएगी 2:55 पर, क्या करें। तो देखो नायग्रा तो पहुंच गए, अभी जो बस से उतर गया हूँ और थोड़ी सी वॉकिंग है, थोड़ा दूर है अभी वैसे। ये देखो अभी आसपास दिखाता हूँ मैं, तो कुछ खाने की जगह पहले देख रहा हूँ, इधर एक रेस्टोरेंट बताया शायद यहीं से राइट है, हाँ यहाँ से राइट आ जाए। और ये देखो नायग्रा के पास भी नेक छोटा सी एंड टावर जैसा कुछ बना रखे हैं, बाकी अभी फॉल्स की तरफ जाऊंगा तब आगे मैं अच्छे से दिखा दूंगा। देखो जाऊँगा यहाँ पे, बड़ी यूएस टाइप सी फीलिंग है यहाँ, तो देखो कैसी वजह बना काफ़ी फेमस है सीट है खाने पीने की और चीज़ों के। देखो बाइक और अभी खाने का यहीं देखा मैंने भाई, बहुत टाइम बाद इंडियन खाना में दिख रहा है यहाँ, जाकर देखता हूँ कैसा क्या है बताता हूँ। मैंने तो खा लिया, बहुत एक्सपेंसिव था, पर ये देखो
और बहुत एवरेज ही था, मतलब ऐसा तो कुछ था नहीं, इतना टेस्ट और कुछ हो बड़ा बस सिंपल सा बहुत ही बेसिक। चलो एक्सपेक्टेड भी यही है यहाँ पर, हर हज़ार 1200 रुपये की प्लेट है छोले भटूरे की, सही है। देखो कितने कैसीनोज और ये सब हैं, मतलब अच्छी जगह है। ये है टोटल जो अपनी पूरी एक एक तो इधर ये सीएन टावर जैसा बना रखा है, और ये वाली जो फॉल्स हैं ये अपनी कनाडा की हैं, कनाडा में आती हैं, और ये वाली जो फॉल्स हैं ये यूएस में आती हैं सबसे। और ये सामने यूएस है, वो देखो यूएस का झंडा, और ये जो बोट है ब्लू वाली ये यूएस वाले घूम रहे हैं, और रेड वाले भी घूम रही, वो वहाँ गई थी, वो देखो वो कनाडा वाले लोग हैं, कनाडा का झंडा लगा लो उस पर, तो देखो ऐसा है। बाकी वैसे हम तो लेट हो गए, बोटिंग वोटिंग का प्लान तो था हमारा, बट शाम का वक्त होने लग गया ना, वैसे ठंड बहुत हो रही है और ऊपर पूरे गीले हो जाते हैं, देखो कैसे उड़ रहा है। और ये सारे अच्छे से होते हैं, और जो सीएन टावर की कॉपी बना रखी है भाई, है ना, काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत भीड़ है यहाँ पे। देखो आस पास का दिखाता हूँ, ऐसे पूरे उधर लोग ही लोग सारा हर जगह आएंगे, देखो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, बहुत हिट है यार यहाँ। और ये देखो नायगरा के साथ ही ये है रेनबो ब्रिज, तो आप लिटरली अगर आपके पास यूएस का वीज़ा है तो आप यूएस और कनाडा के बीच में ट्रैवल कर सकते हैं, ये लोग कर रहे हैं। देखो आप अपनी गाड़ियाँ भी लेके जा सकते हो, तो आपके पास यूएस का वीज़ा होना चाहिए, तो ये भी काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस मानता है यहाँ। तो यही है रेनबो इंटरनेशनल ब्रिज, उसे नायगरा के उधर ही, वो देखो आप फॉल्स उधर है उधर कहाँ भी, और ये देखो यहाँ आ गया, अब वो सामने यूएस, ये पूरी कनाडा की साइड दिखती है जो उन्हें, ये भी अच्छा है काफ़ी, बहुत भीड़ है मतलब बहुत ही ज़्यादा, वो देखो उधर देखो, मैंने पहले भी दिखाया था ना, खतरनाक। तो देखो इधर भी यूरोप टाइप की तरह आपके जो ये ऑन द स्ट्रीट कैफे और शॉपिंग वगैरह ये सब भी है। तो देखो अभी वापस जा रहा था मैं, बस जो स्टॉप है मेरा वहाँ पे गो बस वाला, अभी देखो घर, ये सारे कितने प्यारे प्यारे घर हैं यहाँ पे, और किसी का अपना एक छोटा सा मतलब पीछे बैकयार्ड भी है, लोगों ने डॉग हाउसेस भी रखे हुए, तो यहाँ पे भी पूरा शहर है, मतलब प्रॉपर शहर बसा हुआ है इधर, फॉल्स के वजह से ही सब कुछ है। देखो उधर गुड़ियाँ रखी हैं बस अभी देख लो नायगरा वगैरह देख लिया, और इस टाइप का कोई शहर है यहाँ पे पूरा जो मैंने आपको दिखाया है, देखो तो बस अभी बस चेंज करके अब यहाँ से पहली फर्स्ट बस लेनी है, पहली बस अपने को वहीं मिल जाए, क्योंकि आते हुए भी जो मैं इस साइड ही उतरा था तो अभी भी वापस वहीं उतर जाऊंगा, मतलब उस साइड से बस मिल ले लूँगा, एंड फिर आगे जाके ट्रेन, फिर वापस बस। नायगरा का हो गया, बाय बाय। वो रहा देखो वो रहा टावर, तो अभी जैसे देखो ये वाला टर्मिनल पे आ गया मैं, ये वाला जब गए थे तब ऑपोजिट साइड पर रुके थे, तो ये वाली अभी बस बता रहा है 20 मिनट में आएगी, तो बस यहाँ से अभी बस लेके फिर वहाँ पर जाऊँ, ट्रेन वाला स्टेशन है वहाँ जाना है, फिर वहाँ से ट्रेन जाएगी, फिर ट्रेन से आगे वापस से बस जाएगी जो सिटी सिटी चलेगी, फिर घर पहुँचूंगा। तो बस आगे चलता हूँ, अभी बस आपका वेट कर रहा हूँ, फिर आगे दिखाता हूँ आपको। तो अभी आ गया वापस स्क्वायर वन वापस, और जो बस ली थी ना वहाँ से नायगरा फॉल्स से आते हुए, तो भाई उसमें तो इतनी ज़्यादा भरी हुई आई, पहली बस आई उसमें मना कर दिया बैठने के लिए, फिर दूसरी आई तो फिर अब ऐसा हो गया कि यार खड़े होके आ जाओ, कितनी देर वेट करेंगे। तो अभी करते करते देखो कितना लेट हो गया, 10 बजने वाले, और यहाँ ही देखो रात के टाइम, तो आज वैसे ही सैटरडे है, गाड़ियाँ वाड़ियों की आवाज़ आ रही होगी, काफ़ी लोग घूम फिर रहे हैं। तो बस अब लास्ट पार्ट रह गया यहाँ से स्क्वायर वन से घर जाने का, 15 मिनट में घर पहुँच जाऊँगा। ये देखो गाड़ियाँ देखो, Thank you.
एक से बढ़ के एक यहाँ पे आज काफी ना एक जगह जहाँ पे हम बस से उतरे तो वहाँ पे एक कार्स की जो मीट होती है ना, ये जो अमेरिका और यहाँ सब करते हैं, सब सबके बोनट्स खुले हुए थे, इंजन दिखा रहे थे अपने और वो सब, वो कुछ तो शायद नहीं जा रहे हैं लोग तो बस सब। बाकी आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, नायगरा के बारे में कुछ नया देखा या जो भी। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो को, और मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।